नीतिवचन अध्याय 19, नीतिवचन अध्याय 19, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। फिर मन का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता वह चूक जाता है। मूर्ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत मित्र होते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं, तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाए। वह बातें करते करते उनका पीछा करता है, परंतु उनको पाता नहीं। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नाश होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फंफता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कहां फवे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध से आनाकानी करना मनुष्य को सो होता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के झगड़े अगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो कोई पानी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। अपने पुत्र की ताड़ना कर, क्योंकि अब तक आशा है, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक गौर नहीं उठाता। ठट्टा करने वाले को मार, तो इससे भोला मनुष्य हो जाएगा, और समझने वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी मां को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधम साक्षी न्याय को ठट्टों में उड़ाते हैं, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्टा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है, और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं।